बहुत बढ़िया, बिकॉज इतने कमाल एक्टर्स थे मेरे साथ. बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस. सबसे पहले तो मैं थैंक यू देना चाहूँगा इंडियन आइडल को कि मेरे जैसे एक अनजान लोगों को यहाँ खींच के यहाँ तक लाइव प्लेटफॉर्म जो बहुत बड़ा लिंक जो टॉप फोर तक पहुँचाया. थैंक यू फॉर पब्लिक को यहाँ तक पहुँचाया, तो उनकी वजह से ये हुआ. बपीदा ने मेरी आवाज़ सुनी तो आज इतनी बड़ी फिल्म में मुझे मौका दिया. इस फिल्म में मेरा जो रोल है वो एक गोवा के पुलिस ऑफिसर का रोल है, जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी है लेकिन इमोशनल अत्याचार की जकड़ में आ जाता है. ये फिल्म की जब डबिंग मैंने की तो मुझे एक नया सिनेमा लगा, एक नई परफॉर्मेंस डायरेक्टर अक्षय जी ने निकाला, एक ऐसा सिनेमा जो बहुत पसंद आएगा लोगों को. अलग रूप है सबका. हमारी कमाल केमिस्ट्री रही सेट पे, बहुत मज़ेदार काम रहा. जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है सेट पे जो होता है वो स्क्रीन पे दिखता है. जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन में आया तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे आगे यहाँ तक जाऊँगा और मेरी आवाज़ को एक प्लेबैक सिंगर के रूप में एक गाना मिलेगा. लेकिन अल्लाह ने चाहा और पब्लिक ने चाहा, बपीदा ने भी चाहा और इस फिल्म का वीडियो भी मेरे ऊपर है. बहुत अच्छा लग रहा है. एक थ्रिलर है जिसमें थोड़ी कॉमेडी भी है, धोखा भी है, सेक्स भी है, लव भी है और इमोशनल अत्याचार भी. ये एक मिस्ट्री है, पैसा है, काफ़ी पैसे का एक अत्याचार है जो हम लोगों पर है और क्विक मनी चाहिए सबको. तो यही सारी चीज़ें हैं और जो बाकी मैं कुछ चीज़ें रिवील नहीं करूँगा बिकॉज वो कुछ चीज़ें फिल्म देखने के लिए होती हैं. सो आई वॉन्ट यू गाइज एवरीबॉडी टू जस्ट वॉच दिस फिल्म. बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म देख के, एक नया सिनेमा. फिल्म में एक गाना, एक प्रमोशनल गाना है. फिल्म के अंदर जो है वो चिटका हुआ सॉन्ग रखा हुआ है और बाकी प्रमोशनल सॉन्ग्स है. राजस्थान का एक जो कलर होता है, एक नीला नीला जो उसको उसी के लाल कलर उसको नीला बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, तो उसी कलर के ऊपर कोई गाना है. एक्चुअली अभी मुझे उस गाने के बारे में जानना है, सिर्फ मैं गा के आया हूँ. मैंने फिल्म के दो गाने सुने हैं. एक तो जो फिल्म में है जो कल्कि पर फिल्माया गया है गाना, बहुत बढ़िया है वो. दूसरा एक हमने बप्पीदा के साथ रिकॉर्ड किया है गाना, जिसमें राजस्थानी फोक जो इंडियन आइडल पे है शायद, क्या नाम है उनका, राजस्थानी फोक सैम्पल्स हैं गाने में. और उसका जो आर 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 है वो आपके दिमाग में ज़रूर रखिएगा. बहुत अलग सिनेमा है, तो अलग म्यूज़िक है इसका और इसमें एक बप्पीदा का अट्रैक्शन भी है, कुछ नया साउंड. वेरी नाइस, आई हैव नो वर्ड्स. मतलब ये ऐसा है कि आप लोग खाली सुनिए और देखिए एंड देन यू गाइस जज, यू नो, आप ही लोग इसको जज करें तो बेटर होगा. इट्स अ थ्रिलर, इट्स अ ब्लैक ह्यूमर थ्रिलर और ये फिल्म मैं कह सकूँगा कि कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस पे है जो आपके मेरे किसी के भी साथ हो सकते हैं और कैसे उनके असर अपनी ज़िंदगी पे होते हैं. मुझे शूट करते हुए भी बहुत पसंद आई, देखने पर भी पसंद आई, तो उम्मीद करता हूँ उतनी ही पसंद ऑडियंस को भी आई. इमोशनल अत्याचार तो इमोशनल अत्याचार है, जो वही सारे करेक्टर जो एक दूसरे की तरफ जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके दे क्रॉस देयर पाथ, आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस एज इमोशनल अत्याचार.